हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपका प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है साइंटिस्ट पोजिशन से। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पर नए हैं अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन निकला है ये निकला है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम से, जहाँ पे जो है साइंटिस्ट की डिफरेंट डिजिग्नेशन के लिए जो है एप्लीकेशन मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 9 नवंबर, और जो लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 8 दिसंबर, और जो लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 15 दिसंबर 2020 टिल 5:30 PM। तो अब बात कर लेते हैं डिजिग्नेशन की। तो देखिए, यहाँ पे जो डिजिग्नेशन है वो है आपका साइंटिस्ट की, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है वो 9 है, जिसमें से अनरिजर्व 4, SC1, ST1, OBC2, EWS1। साथ ही साथ प्रिंसिपल साइंटिस्ट की भी पोजीशन है वो है 3, जो कि अनरिजर्व है। साथ ही साथ इन्होंने देखिए एंट्री पे भी यहाँ मेंशन कर रखा है, तो पे लेवल 11 एंड पे लेवल 13 का यहाँ पे आपको पे लेवल मिलेगा। अगर हम बात कर ले एमोलूमेंट्स की, तो यहाँ पे आपको साइंटिस्ट के लिए 94,253 और प्रिंसिपल साइंटिस्ट के लिए 1,67,935 रुपीज का जो एमोलूमेंट्स यहाँ पे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगर अपल एज लिमिट की, तो देखिए यहाँ पे जो एज लिमिट मेंशन कर रखी है वो है साइंटिस्ट के लिए 32 ईयर्स और प्रिंसिपल साइंटिस्ट के लिए 45 ईयर्स मेंशन कर रखी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट कोड और एरिया यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात ASD जो कि एनालिटिकल साइंटिस्ट है की पोस्ट है, तो ये यहाँ पे जो वैकेंसी वो 1 है, और जो वैकेंसी वो रहेगी OBC कैटेगरी के लिए। यहाँ पे स्केल भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, पे स्केल 11 यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे PhD आपका जो है सबमिटेड होना चाहिए केमिस्ट्री में या एनालिटिकल केमिस्ट्री में। वहीं यहाँ पे इन्होंने डिजाइलेबल एक्सपीरियंस भी मेंशन कर रखा है, जो एक्सपीरियंस इज द यूज ऑफ 4 ईयर ट्रांसफर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए यहाँ पे जो टेक्निक्स इन्होंने मेंशन कर रखी है, अगर आपको ये टेक्निक्स आपने अपनी PhD में यूज की है तो आपको यहाँ पे सिविली जो है वो प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने जॉब रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब हम बात करें सेकंड की, तो देखिए सेकंड है कोरोजन में, यहाँ पे 1 पोस्ट है जो कि जनरल है। तो देखिए यहाँ पर भी पे स्केल पोस्ट एंड मैक्सिमम एज लिमिट, और आपका यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, और जो है यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट सारा मेंशन कर रखा है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या जिस भी एरिया के लिए एलिजिबल हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे पार्टिकुलर एरिया मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको पार्टिकुलर पोस्ट भी देखने को मिलेगी, और ये जो पोस्ट है ये किस कैटेगरी में है। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ मास्टर डिग्री की भी पोस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें एरिया कंबर्सन में, तो यहाँ पे जो है साइंटिस्ट पोजिशन के लिए पोस्ट है, और यहाँ पे अगर ME/M.Tech आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या थर्मल इंजीनियरिंग या डिजाइन या प्रोडक्शन या कंबर्सन में किया है तो आपको जो यहाँ पे है आप जो अप्लाई कर सकते हैं। वही डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है हैविंग एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन अप्लाइड टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी मेंशन किया है, और जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो देखिए यहाँ पे 2 carry out R&D इन द एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक कंबर्सन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है मास्टर लेवल पे भी जो साइंटिस्ट की पोजीशन निकाली गई है। दूसरा है लाइट स्टॉक प्रोसेसिंग में, तो यहाँ पर भी देखिए मास्टर लेवल अगर आपने M.Tech या ME किया है तो आप भी आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप स्क्रॉल डाउन करने पर आपको जो है जितनी जितने भी पोस्ट हैं और स्पेसिफिक एरिया भी यहाँ पे मेंशन किया रखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है फिलअप कर सकते हैं। जिस भी एरिया में आप एलिजिबल हैं आप उनमें जो है फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी एक पोस्ट निकाली गई है, तो देखिए यहाँ पे मटेरियल रिसोर्स एफिशिएंसी इसमें 1 पोस्ट है, और यहाँ पे जो पे स्केल है वो लेवल 3 का मिलेगा, और यहाँ पे आपको प्रिंसिपल साइंटिस्ट की जो पोस्ट है 45 ईयर्स यहाँ पे जो है मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन कर रखा है। यहाँ पे अगर आपका PhD इन बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी है और आपको 3 ईयर PDF का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल यहाँ पे एक्सपीरियंस है कि रिसर्च एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एयर वाटर मेम्ब्रेन बेस्ड सेपरेशन मेथड प्रोसेस डेवलपमेंट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिजायरेबल एक्सपीरियंस और जॉब रिक्वायरमेंट भी दे रखा है। तो केमिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे जो अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंसेज से अगर और या माइक्रोबायोलॉजी से आपने जो है अपना PhD कंप्लीट किया तब भी आप इस पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका PhD इन बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए। अब बात करते हैं बेनिफिट्स के, कि आपको यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वो सारा यहाँ पे आपको जो है दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे अकोमोडेशन भी दिया जाएगा,
अगर आप एकोमोडेशन नहीं लेना चाहते तो आपको यहाँ पे एचआरए दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम 2004 जो लागू हुआ है, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, लीव ट्रेवल कंसेशन, कन्वीनियंस एडवांस एंड हाउस बिल्डिंग एडवांस आर अवेलेबल एज पर सीएसआईआर रूल। तो यहाँ पे देखिए आपको जो अदर सीएसआईआर के बेनिफिट्स वो भी आपको दिए जाएंगे, जैसे न्यू पेंशन स्कीम जो कि लागू हुई है 2004 वाली, जिसमें और साथ ही साथ अगर आप तो मेडिकल एक्सपेंसेस अपना है वो भी रीइंबर्स कर सकते हैं और ट्रेवल कंसेशन में भी आपको लीव मिलेगी। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो आपको जो है दिए जाएंगे एज पर सीएसआईआर रूल्स। ठीक है, इसके बाद कुछ और हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को जानने के लिए जरूरी है। देखिए यहाँ पे अदर कंडीशन भी मेंशन की रखी कि आपको यहाँ पे जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। साथ ही साथ और भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे एक चीज मेंशन कर रखा है कि प्रेफरेंस उन्हीं लोग को दिया जाएगा विच आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, अप्लाइड टेक्नोलॉजी या ट्रांसलेशन रिसर्च एटीसी। तो दिस टाइप ऑफ पीपल विल गेट द प्रेफरेंस। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि, और देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन का पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन किया रखा है। तो अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वहीं अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपर एज लिमिट या रिलैक्स अप टू 5 ईयर फॉर द रेगुलर एम्प्लॉयज वर्किंग इन सीएसआईआर लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूट। अगर आप किसी भी सीएसआईआर लेबोरेटरी या इंस्टीट्यूट पे काम कर रहे तब भी आपको यहाँ पे जो है वो 5 ईयर का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, चाहे वो आप सीएसआईआर लेबोरेटरी या इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो या ऑटोनोमस बॉडीज में काम कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे जो रिलैक्सेशन वो 10 इयर्स का है, अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 15 इयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वहीं अगर आप पीडब्ल्यूडी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है 15 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई। तो आपको अप्लाई करने के लिए www.iip.res.in पे जाना है, वहां पे जाने के बाद जो है आपको जो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जनरल और ओबीसी कैटेगरी में जो फी पेमेंट करने की। तो देखिए यहाँ पे जो फी डिपोजिशन रहेगा वो 100 रुपीज करेगा, थ्रू एसपी कलेक्ट के थ्रू जो है आप अपना जो फी है 100 रुपीज का वो पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको कैसे जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, तो आप ये इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करके जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखिए जो भी प्रिंट आउट जनरेट हुआ या जो एप्लीकेशन जनरेट होगा वो आपको डुली साइन करना, मीन्स उसमें आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे, वहाँ एक कॉलम दिया गया होगा वहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, और साथ ही साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, रीप्रिंट्स ऑफ पब्लिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अलॉन्ग विद 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज सेल्फ साइन फोटोग्राफ एफिक्स टूगेदर विद डिमांड ड्राफ्ट इफ एप्लीकेबल शुड बी सेंड टू द एनवेलप सुपर स्क्राइब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं या रिप्रिंट्स हैं या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं वो सारा आपको जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और साथ ही साथ जो आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है, जो एप्लीकेशन फी आपने 100 रुपीज की पे की है, उन सबके साथ जो है आपको सेंड कर देना है, और आपको अपने एनवेलप पे मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डेस्क, फिर यहाँ पे अपना पोस्ट आपको लिखना है और वहाँ पे साथ भी पोस्ट कोड यहाँ पे लिखना है और सेंड कर देना है रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू, एड्रेस यहाँ मेंशन कर रखा है तो आपको सेंड करना है कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीएसआई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम पीओआईपी मुनकापुरम हरिद्वार रोड देहरादून 248005 उत्तराखंड। तो यहाँ पे जो है आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी है मार्कशीट रिप्रिंट्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन और जो डिपोजिशन ऑफ फी यानी फी पेमेंट का प्रूफ सारा सेंड कर देना है, और आपका जो हार्ड कॉपी पहुंचना है उसका लास्ट डे 15 दिसंबर 2020 5:30 PM से पहले जो है आपका जो है पूरा जो भी डॉक्यूमेंट है सारे पहुंच जाने चाहिए 15 दिसंबर 2020 से पहले। ठीक है, तो देखिए अगर आप चेक करना चाहते हैं आपको क्या क्या भेजना है, तो देखिए यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट भेजना है 100 रुपीज का, कलर फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी। तो आपको ये सारे जो है डॉक्यूमेंट अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड कर देना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए, अगर आपको कोई भी डाउट है इस पोजिशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।